पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं हम मंगत राम और मैं रमा पांडे। श्रोताओं, अनुगूंज कार्यक्रम में हम आपको परिचित करवाते हैं साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, क्रीड़ा, समाज सेवा आदि के विशिष्ट व्यक्तित्वों से। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय जिस व्यक्ति से करवाएंगे वो हैं हिंदी भाषा के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार। जी हाँ, आज के हमारे व्यक्तित्व हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह एक किसान थे, जिनका निधन रामधारी सिंह के बचपन में ही हो गया था। रामधारी सिंह का लालन पालन इनकी माता मनरूप देवी ने किया। रामधारी सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय तथा बोरो गांव के राष्ट्रीय मिडिल स्कूल से हुई। उन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल के बाद 1932 में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। इसी अवधि में उनका विवाह भी हो गया और वो पिता भी बन गए। स्नातक की परीक्षा पास करके वो पहले एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बने, फिर 1934 में बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार नियुक्त हुए। इस दौरान वो ग्रामीण जीवन के अति निकट रहे और उन्होंने ग्रामीण जीवन को सूक्ष्मता से अनुभव किया। रामधारी सिंह दिनकर के कवि जीवन का उदय 1935 में हिंदी साहित्य लेखन की मुख्य धारा से अलग एक नई शैली की रचना रेणुका के प्रकाशन से हुआ। 1938 में जब हुंकार प्रकाशित हुई तो भारत के युवा वर्ग में रातों रात लोकप्रिय हो गई। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीयता और क्रांति के पर्याय कवि बनकर उभरे। उनकी रचना कुरुक्षेत्र ने उस समय के युवाओं में देश प्रेम का भाव भर दिया था। 1939 में प्रकाशित रसवंती में रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य के द्वारा सौंदर्य का अवलोकन किया। 1947 में आई उनकी रचना सामधेनी में दिनकर की कविताओं में विश्व वेदना का अनुभव हुआ। रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ ही समय में अपनी रचना का पटल राष्ट्र प्रेम और सौंदर्य से लेकर विश्व वेदना तक व्यापक कर लिया था। अपने उन दिनों के लेखन के विषय में बताते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने आकाशवाणी को दिए साक्षात्कार में बताया था, मैंने जो कविताएं लिखी हैं और कविता के विषय में जो चिंतन किया है उनके बीच एक छोटी सी खाई है। यानी कविता की प्रकृति के विषय में मेरा मत है, वैसी कविताएं मैंने अनुपात में थोड़ी लिखी हैं। अधिक कविताएं मैंने ऐसी ही लिखी हैं जो मेरे काव्य संबंधी विचारों की कसौटी पर ठीक ठीक खरी नहीं उतरती। और यह द्विधा मुझमें इधर हाल में प्रकट हुई हो यह बात नहीं है, वह प्रारंभ से ही मुझमें विद्यमान रही है। जब रेणुका और हुंकार का प्रकाशन हुआ मैं आलोचकों की दृष्टि में संदेशवाही और उपदेष्टा कवि बन गया और मेरे इस रूप को प्रगतिशील विचार के साहित्य प्रेमियों ने बहुत पसंद किया। किंतु रेणुका और हुंकार के बाद जब रसबंती और द्वंद्व गीत निकले मेरे प्रशंसक मुझसे निराश हो गए। उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि सूर्य पूरा तपने के पहले ही संध्या की शीतलता में छिपने जा रहा है। मुझे याद है कि इस आलोचना से मैं घबराया नहीं था, उल्टे मुझ पर यह असर पड़ा था कि जो लोग रसवंती की कविताओं से निराश हैं, उन पर राजनीति और समकालीनता का प्रभाव कुछ ज्यादा है। रसवंती के प्रथम संस्करण में मैंने एक भूमिका भी लिखी थी जिसमें ब्याजांतर से यह दिखाया गया था कि प्रगतिशील होने के पहले कवि को कवि होना चाहिए। प्रगतिशील विचार के पाठकों को इस भूमिका से भी निराशा हुई थी। तब तक साहित्य के बारे में गंभीर चिंतन करने का मुझे अवसर नहीं मिला था। अतएव जब भी साहित्य के विषय पर बोलने या लिखने का मुझे मौका मिलता था मैं आंख मूंद कर रेणुका और हुंकार वाली धारा का समर्थन करता था। अतएव रसवंती की कविताओं और उसकी भूमिका के बावजूद मेरी गिनती प्रगतिशील कवियों में की जाती थी,
लेकिन यह उस दर्द का इलाज नहीं था जो भीतर ही भीतर मुझे खाए जा रहा था। रेणुका की अधिकांश कविताएं स्वदेश थीं, मगर उस संग्रह में बसंत जागरण, कोयल, निर्झरनी, अमा संध्या आदि कविताएं भी थीं जो शुद्ध कवित्व के बहुत निकट पहुंचती थीं। रामधारी सिंह दिनकर के आरंभिक लेखन में छायावाद का प्रभाव रहा, परंतु उनकी काव्यानुभूति शीघ्र ही उसके प्रभाव से निकलकर स्पष्टता के व्योम पर स्वच्छंद विचरण करने लगी। स्वतंत्रता मिलने पर रामधारी सिंह दिनकर को बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी का विभागाध्यक्ष बनाया गया। 1952 में वो राज्यसभा सदस्य बने। 1952 में उनकी काव्यकृति रश्मि रथी आई और 1955 में आई नील कुसुम, जो उनकी अभिव्यक्ति के आवेश की एक नियंत्रित कृति थी। रामधारी सिंह दिनकर का नाम प्रगतिवादी कवियों में लिया जाने लगा। आइए सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर के श्रीमुख से उनकी एक कविता। टूट गए युग के दरवाजे, बंद हो गई क्या भविष्य की राह, तब भी आता हूँ मैं। बल रहते ऐसी निर्बलता, स्वर रहते स्वर वालों के शब्दों का अर्थाभाव, दोपहरी में ऐसा तिमिर नहीं देखा था। खिसक गई श्रृंखला सितारों की, प्रकाश के पुत्र वहां अब नहीं जहां पहले उगते थे। मही छूट सहसा विश्वंभर के प्रबंध से, सचमुच ही पड़ गई मनुष्यों के हाथों में। धुआं धुआं सब ओर चतुर्दिक घुटन भरी है, आंख मूंदने पर भी तो अब दीप्ति नहीं आती। तिमिर व्यूह है ध्यान गीत का, मन काला है धूम ध्वांत फूटता कला की रेखाओं से। तो यह सब क्या इसी भांति चलता जाएगा, यह विषपूर्ण प्रवाह कुटिल यह घुटन प्राण की, और वायु क्या इसी भांति भरती जाएगी, वणिक तुला पर चढ़ी बुद्धि के फूतकारों से। ना गांधी सेठों का चौकीदार नहीं है, न तो लौह में छत्र जिसे तुम ओढ़ बचा लो, अपना संचित कोष मार्क्स की बौछारों से। इस प्रकार मत पियो, आग से जल जाओगे। गांधी शरबत नहीं प्रखर पावक प्रवाह था, घोल दिया यदि इत्र कहीं अपनी शीशी का, अनलोदक दूषित अपेय यह हो जाएगा। नील कुसुम के बाद रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नाटक उर्वशी प्रकाशित हुआ। इस काव्य कृति की हिंदी साहित्य जगत में मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई। दिनकर ने उर्वशी के माध्यम से देवता, मनुष्य और अप्सरा के संबंधों का विश्लेषण किया, जो अत्यंत सराहा गया। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में रामधारी सिंह दिनकर ने खंड काव्य परशुराम की प्रतीक्षा लिखा। इस खंड काव्य में भारत पराजय के दिनकर की व्यथा की अभिव्यंजना है। आइए सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर के स्वर में परशुराम की प्रतीक्षा का एक अंश। जो कविता सुना रहा हूं वो परशुराम की प्रतीक्षा का एक छोटा सा अंश है। ये आकाशवाणी संग्रहालय। सिपाही से प्रश्न करता हूं, किरीचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किस नई फसल के बीज बीर बोते हो? सिपाही उत्तर देता है, दुर्दांत दस्यु को से लहू लेते हैं हम, यम की दंष्टा से खेल झूलते हैं हम, वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक वस प्रण है, काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नगराज रुंड मुंडों से, मांगेगी जो रण चंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर होकर आगे फौज बढ़ेगी। ये पहली आहुति है, अभी यज्ञ चलने दो,
पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो हवा देश की आग जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है असीवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य उनकी अपनी विचारधारा को अभिव्यक्त करता है जो स्वतंत्र है सामाजिक चेतना और संस्कृति से जुड़ी है और जो किसी अन्य दर्शन से प्रभावित नहीं है। उनकी कविताओं में प्रवाह है ओज है और है संवेदनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति। दिनकर के व्यक्तित्व की परछाई उनकी कविताओं में अनुभव की जा सकती है और यही उन्हें हिंदी का प्रथम पंक्ति का कवि भी बनाती है। आइए सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर से उनकी एक कविता एक बार फिर स्वर दो। एक बार फिर स्वर दो अब भी वाणीहीन जनों की दुनिया बहुत बड़ी है। अब भी वाणीहीन जनों की दुनिया बहुत बड़ी है। आशा की बेटियां आज भी नीड़ों में सोती हैं सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की। आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग। एक बार फिर स्वर दो मूक उदासी भरे दीन बेटे संपन्न मही के मृत्यु विवर के पास आज भी जीवन खोज रहे हैं। उभर रही कोपलें भेद कर सड़े हुए पत्तों को छाल तोड़ कर कढ़ने को टहनी छटपटा रही है। प्रसवालय में घात लगाए खड़ी मृत्यु के मुख से बचा नर्स भागी लेकर जिस नन्हे से जीवन को देखा वो कैसे हंसता था मानो समझ गया हो अच्छा यहाँ जन्म लेते ही यह सब भी होता है और मृत्यु किस भांति पराजय पर फुंकार रही थी। रामधारी सिंह दिनकर ने बाल साहित्य भी लिखा। मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह उनके बाल कविता संग्रह हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया जिसमें अनुग्रह अभिनंदन ग्रंथ उल्लेखनीय है। दिनकर की गद्य कृतियों में प्रमुख है संस्कृति के चार अध्याय। दिनकर ने अनेक निबंध भी लिखे और आलोचनाएं भी लिखी। उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, हमारी सांस्कृतिक कहानी, शुद्ध कविता की खोज आदि। साहित्य और काव्य पर अपने चिंतन पर बोलते हुए दिनकर ने कहा था, साहित्य पर पहले पहल सुनियोजित चिंतन मैंने चक्रवाल की भूमिका में किया और उस भूमिका में मैंने अपने बारे में यह लिखा कि योद्धा का पद मन से पसंद नहीं था। राष्ट्रीय और क्रांतिकारी होने का सुजस मुझे हुंकार के प्रकाशन के बाद मिला किंतु हुंकार की पहली ही कविता में संदेश बहन और आनंदवाद विषयक मेरी द्विधा अत्यंत मुखर है। मेरा सोचना यह है कि कविता और दर्शन, कविता और समाज विज्ञान तथा कविता और धर्म के बीच कहीं न कहीं विभाजक रेखाएं मौजूद हैं। जो काम दर्शन करता है कविता ठीक ठीक वही काम नहीं करती। अगर करे तो दर्शन प्रधान कविता गौण मानी जाएगी और जो बात कविता और दर्शन के प्रसंग में सत्य है उस बात को कविता और समाज विज्ञान, कविता और धर्म तथा कविता और नैतिकता के प्रसंग में भी सत्य होना चाहिए। कविता को अपने लिए कोई ऐसा कर्म ढूंढना चाहिए जो दर्शन विज्ञान तथा समाज विज्ञान के बस के बाहर की चीज हो, तभी कविता यह दावा कर सकती है कि वो दर्शन विज्ञान और समाज विज्ञान के ही समान विद्या की एक स्वतंत्र शाखा है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य जगत में एक उल्लेखनीय नाम बन गए। उन्हें गद्य पुस्तक संस्कृति के चार अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार
और पद्म भूषण तथा 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं कवि दिनकर की एक संगीतबद्ध रचना। चौबीस अप्रैल 1974 में 65 वर्ष की आयु में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो गया। श्रोताओं, आपको अनुगूंज की आज की ये कड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें यानी मंगत राम और रमा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।